बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एमएस पार्क सोलर की आज की इस वीडियो में हम विरोन प्रीमियम इन्वर्टर को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, ताकि हम इसका जो भी डाटा है, लोड, बैटरी, सोलर, जो भी पावर आ रही होती है, वो हम अपने मोबाइल के ऊपर ही देख सकें। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है आई सोलर के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। आई सोलर, मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपना नाम या क्लाइंट को अगर करके दे रहे हैं तो क्लाइंट का नाम लिखना है, और नीचे पासवर्ड लिखना है। कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं, मैं जैसे 1 से 8 तक और स्मॉल ए रख देता हूँ। ठीक है, उसके नीचे जो आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड, जो ऊपर पासवर्ड लगाया वही पासवर्ड नीचे भी लगा देना, 1 से 8 तक और स्मॉल ए, कोई भी लगा सकते हैं। इसको रजिस्टर करते हैं, तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर आपके सामने हो चुका। अब हम एक स्टेप वापस आके यहाँ पे ऊपर जो नाम हमने रजिस्टर किया वो नाम लिखते हैं, और नीचे वही पासवर्ड जो हमने रजिस्टर करते हुए उधर लगाया वही हम लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, ये कह रहा है कि इन्वर्टर का वाईफाई स्कैन करें। यहाँ पे इन्वर्टर की साइड के ऊपर जो है वो डाटा होता है उसका, वो सीरियल नंबर होता है, तो यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे और उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी डिवाइस हो गई ऐड। इसके बाद हमने वाईफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक FC4 ID के नाम से जो वाईफाई आ रहा है इसके साथ कनेक्ट हो जाना है। इसका पासवर्ड जो होता है ये 1 से 8 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ कनेक्ट हो जाने के बाद हम वापस अपनी एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे ये आपने कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब जो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने घर के वाईफाई का नाम लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। पासवर्ड मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, पेस्ट कर दिया। अब नीचे इन्वर्टर के वाईफाई का जो पासवर्ड है वो लगाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 1 से 8 तक है। नीचे कन्फर्मेशन में आपने इसको जो है वो कन्फर्म करना है पासवर्ड, पहले ऊपर वाला सेव करेंगे और उसके बाद ये जब सक्सेस हो जाएगा, जैसे अभी हो गया, तो फिर नीचे वाला सेव करेंगे। ओपन पे चेक नहीं लगाना। अब हम वापस जाएंगे अपनी एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते ही हमें सारा डाटा इस तरह से दिखाना लग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एमएस पार्क सोलर की आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एमएस पार्क सोलर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।